नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा पे रवाना हो गए हैं। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल समेत एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी रहेगा। बदली हुई परिस्थितियों में, खासतौर से कोरोना काल और अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार, चीन जिस तरीके से विस्तारवाद की नीति में यकीन कर रहा है और तंग कर रहा है, क्या क्या बातें हो सकती है और क्या एजेंडा हो सकता है, इसी पे गौर करेंगे। कल वो अमेरिका पहुंचेंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख से कल उनकी बातचीत होनी है और इसके बाद मुलाकात होगी जो बाइडन अमेरिकन राष्ट्रपति से 24 सितंबर को। इसमें विस्तृत वार्ता होनी है और उसी दिन क्वाड की मीटिंग भी होनी है। बाइडन से ये आमने सामने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात होगी। इसके पहले 2 वर्चुअल जो है बातचीत उनकी ज़रूर हुई है, लेकिन कभी आमने सामने की इस रिजिम में मुलाकात नहीं हुई है। तो माना जा रहा है कि जब बाइडन से मुलाकात होगी तो भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा, रणनीति सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। इसके अलावा जो क्वाड की मीटिंग है ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो अमेरिका में, जिसमें बाइडन भी रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रमुख रहेंगे। इसमें भी चीन की जो विस्तारवाद की नीति है और चीन जो मान रहा है क्वाड उसके लिए खतरा है, उस सारे मुद्दों पे बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग है, इस मीटिंग में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनके भाषण का इंतजार रहता है, खासतौर से विकासशील देशों को। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर के पाकिस्तान और चीन दबाव बनाए हुए हैं, और अभी जब सार्क की मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में भी अफगानिस्तान को शामिल करने को लेकर के पाकिस्तान ने दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस सार्क की मीटिंग को ही, विदेश मंत्रियों की मीटिंग थी, रद्द कर दिया गया था। दरअसल पाकिस्तान जो है तालिबान का पैरोकार बनकर के उभरा है और सीधे सीधे उसका अफगानिस्तान में हस्तक्षेप है। अफगानिस्तान को वो पाकिस्तान का एक क्षेत्र बना करके रखना चाहता है। इसका नतीजा ये हुआ है कि तालिबान में ही 2 गुट हो गए हैं। एक गुट जो है काबुल में कब्जा किया हुआ है, दूसरा गुट उठ करके कंधार चला गया है। जो मुल्ला बरादर है उसे भगा दिया गया है, वो कंधार में है, और हिब्तुल्ला अखुंदजादा कहाँ है, मारा गया, इसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। लिहाजा जो हक्कानी गुट है वही हावी है और वो ISI के इशारे पे चलता है। चूंकि पाकिस्तान के माध्यम से चीन का हित सध रहा है, इसलिए चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में एक हो रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भारत का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है और भारत को आतंकवाद से बहुत ज़बरदस्त खतरा है। अभी जो ब्रिक्स की और शंघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग हुई है SCO की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर के खुल करके बातचीत की थी कि ये समावेशी सरकार नहीं और दुनिया को एक साथ वहाँ की तालिबान सरकार को देने और न देने को लेकर के फैसला करना चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, अल्पसंख्यकों को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है और कई वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसी सरकार को कैसे मान्यता दी जा सकती है। ये सारे बहुत वो मुद्दे हैं जिन पे जो UN की मीटिंग से लेकर के और बाइडन से मुलाकात और क्वाड की मीटिंग में बात होगी। अब देखना यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में, उसके बाद क्या संदेश जाता है, क्योंकि कोरोना का काल है, लगभग 2 साल होने को है और इस बीच में दुनिया में बहुत उथल पुथल हुई है, खासतौर से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बंदूक के नोक पे आई है। तो स्वाभाविक सी बात है ये सारे मुद्दे जो है मायने रखेंगे। क्लाइमेट चेंज है, कोरोना काल में गरीब देशों को, विकासशील देशों को वैक्सीन पहुँचाने का मुद्दा है, किस तरीके से ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको थामा जाए, क्योंकि पहले तो अमेरिका ने इससे अपने को अलग कर लिया था, ये सारे उनके एजेंडे में होंगे। और जैसे ही इसको लेके कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।